हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप सबको पूनम प्रदीप ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइज, आप सब कैसे हैं? तो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहिए, और आप लोग अच्छे रहेंगे तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आज अभी हम ब्लॉग शुरू किए हैं, कल का ब्लॉग नहीं बनाए थे क्योंकि कल हम कहीं चले गए थे, इसलिए कल वीडियो नहीं बनाए थे, बड़ा वीडियो नहीं बनाए थे, छोटा बना लिए थे। तो हमारे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो उसी का मतलब क्या बोले, इधर उधर थोड़ा मार्केट वार्केट जा रहे थे, तो दो तीन दिन से बिजी हैं, ठीक से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं बड़ा वीडियो। तो अभी छोटा मोटा वीडियो बनाते हैं, आप लोग के साथ मिल के शेयर करते हैं। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं मछली का, मतलब मछली का अंडा होता है ना, उसी का हम पकौड़ा बनाने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ वीडियो में रह के देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए गाइस, हम इसमें प्याज और हरा मिर्चा और थोड़ा सा हल्दी दे दिए हैं, और थोड़ा सा मछली का अंडा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। तो थोड़ा सा ही पकौड़ा बनाने जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर में सब कोई खाता नहीं है, तो थोड़ा सा लाए हैं। तो देख लीजिए, प्याज एकदम महीन महीन काट दिए हैं और हरा मिर्चा भी महीन महीन काटे हैं, और थोड़ा सा हल्दी दे दिए और मछली का अंडा है, और देखिए मसाला पीस के रखे हैं। तो थोड़ा सा इसको इसमें दे देते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, थोड़ा सा देंगे, और इसमें बेसन देंगे, थोड़ा सा बेसन दे देंगे, ज़्यादा बेसन नहीं देंगे, नहीं तो ज़्यादा देने से क्या होता है ना कि अंडा ना थोड़ा सा कड़ा 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 टाइप का हो जाता है, दिखाते हैं। थोड़ा सा डीम है तो थोड़ा सा ही बेसन देंगे, तो देखिए थोड़ा सा बेसन दे रहे इसमें, और इसमें नमक देंगे, तो थोड़ा सा नमक दे देते हैं, जितना स्वाद अनुसार अपने, जितना हमको मतलब जैसा आप खाते होंगे। तो देख के देखिए सबको मिला देते हैं, और अच्छी तरह से सबको मिलाएंगे। और मेरा कढ़ाई भी गर्म हो गया, देख लीजिए कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, और इसमें तेल देना है, तेल नहीं दिए हैं तो तेल दे देते हैं। तो गाइस हमारा तेल देखिए गर्म हो गया है, दिखाई दे रहा है तेल गर्म हो गया है। तो और इसको भी हम अच्छा से मिला लिए हैं, इसको चम्मच से डालेंगे, हाथ से नहीं डालेंगे, चम्मच से डालेंगे। और देख लीजिए तेल मेरा बहुत अच्छा से गर्म हो गया है, और इसमें ना छोटा छोटा करके डालेंगे, और इसका मतलब मछली का जो अंडा होता है ना, खाना बहुत ही अच्छा होता है, ये बहुत ही विटामिन है, और बच्चे लोग को तो ज़्यादातर खाना चाहिए, छोटे बच्चे को तो खाना चाहिए, लेकिन बच्चे लोग को ना पसंद नहीं आता है ये सब नहीं खाना चाहते। मेरी दोनों बेटी है ना, उन लोग को अच्छा नहीं लगता है, नहीं खाती है, और ये सबसे अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा है, विटामिन है, खाना चाहिए, मछली का अंडा सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो देख लीजिए इसको तेल में दे दिए हैं गाइस, तो इसको और होने देते हैं। तो गाइस देखिए हमारा ये पकौड़ा देखिए बन गया है, और देखिए कितना सुंदर, कितना मतलब मुलायम बना हुआ है, मतलब ज़्यादा बेसन नहीं, कम ही बेसन देने से पकौड़ा तो बहुत ही अच्छा बनता है और सॉफ्ट बनता है, और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये अच्छा हमारा ये मछली का अंडा का पकौड़ा है, और आज हम बनाए हैं, बहुत ही मतलब हमको अच्छा लगता है, हम खाते हैं, मेरी बेटी लोग नहीं खाती है, और ये बहुत ही अच्छा होता है, खाना चाहिए, लेकिन बच्चे लोग नहीं खाते हैं। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, और अपना प्यार और अपना साथ हमेशा बनाए रखिए। तो ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, बाय, टाटा।